तो हेलो मेरे किसान भाइयों, आज जिस मछली के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो मछली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये मछली उन लोगों के लिए और भी उन किसानों के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है जो कि जिनके पास छोटा मोटा जॉब है 15 से 20 हज़ार का, वो इस मछली को पाल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। और जिनके पास बड़ा बड़ा तालाब है वो भी इस मछली को पाल सकते हैं। और जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कि ऐसा लगता है अंदर से कि फेल हो जाएंगे मछली पालन में, उनके लिए भी ये मछली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ तेलापिया मछली के बारे में। ये तेलापिया मछली इस तालाब में भी है, इस मेरे तालाब में भी। ये मछली बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ लो ना कि बहुत बहुत ही ज़्यादा ये मछली अच्छा है। खैर, अभी भारत में मान के चलो कि नया है, बट अब धीरे धीरे ये फैलते जा रहा है और इसका मार्केट में भी डिमांड बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। और ये मछली का डिमांड मार्केट में और ज़्यादा हो जाएगा आगे चल के। अगर आप अभी से करोगे तो 1 से 2 साल में और ज़्यादा, मतलब डिमांड बढ़ते ही जा रहा है इस मछली का भारतीय मार्केट में। इस मछली में सबसे खास बात क्या है, सरप्राइज़ वाली बात क्या है कि आपके पास अगर तालाब है, उस तालाब में आपने एक बार अगर मछली का जीरा डाल दिया तो उस तालाब का जीरा फिर मछली को अभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप कितना भी सेल कर दो, अब ये नहीं कि पूरी तरह से तालाब को सुखा करके पानी निकाल करके सेल कर दें, वैसे नहीं। अब बड़ा बड़ा मछली को निकाल के सेल करते जाओ, छोटे छोटे मछली को उसमें तालाब में रहने दो, आपके मछली का जो मतलब कि तालाब का जो मछली वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं होगा, आप समझ लो। अब कैसे नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला कि ये मछली सरप्राइज़ एकदम। वो कैसे, तो दोस्तों ये मछली 1 साल में 2 बार मतलब कि बच्चे को देती है। इस मछली को बच्चे देने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, आप समझ लो। एक बार मतलब कि 1 साल में अगर आपने 5,000 पीस डाला अपने तालाब में, तो अगर 1 साल तक आप कुछ नहीं किए, बस खाना डालते रहे, तो आपके तालाब में 1 साल के बाद पता चलेगा कि 5,000 के बदले 15,000 पीस मछली हो गया आपके तालाब में, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ लो। तो ये मछली नए किसानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मछली है, फ़ायदे वाला मछली है। ये किसान पाल सकते हैं इसको, जिनको कि डर लगता है कि लॉस हो जाएगा, शुरू शुरू में ही घाटा लग जाएगा, उनके लिए ये मछली बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आप पाल सकते हो आराम से। अब इस मछली का मतलब कि खाने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, ये मछली का खाना जो होता है वो फुल्ली डिपेंड होता है मार्केट वाले फीड पे, लेकिन मार्केट वाले फीड पे भी कुछ खास ज़्यादा खाना नहीं देना पड़ता है। आप इसको कम फीड में भी पाल सकते हो, कम फीड में भी आप इसको पाल सकते हो। आप एक बोरी 10 दिन तक खिला सकते हो, 5,000 पीस को इसको खिला सकते हो। तो आप समझ लो ना कि 1 महीने में 3 बोरी 4 बोरी खिलाया तो 5 से 6 हज़ार आपकी कॉस्ट आया मछली का, मतलब दाना का खिलाने में। तो आप इसको आराम से मतलब कि सेल कर सकते हो, हाफ़ के जी मतलब 700 ग्राम 1 केजी हो जाएगा ये मछली, आप इसको मार्केट में आराम से सेल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है इस मछली को पालने में, ना इसमें बीमारी होने की कोई संभावना। अगर बीमारी हो भी गया, ठीक बात है, मानते हैं बीमारी हो भी गया, तो कुछ मछली मरेंगे। मैं कहता हूँ जितने मछली मरेंगे उससे दोगुना तो आपके तालाब में आ ही जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि बीमारी होने के बाद तालाब का सारा मछली मर ही जाता है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता, किसी मछली में ऐसा नहीं होता है। तो ये मछली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नए किसानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसका मतलब कि मार्केट में भी डिमांड अच्छा खासा है और बढ़ते ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 120-125 रुपया केजी मार्केट में सेल कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में इसका डिमांड कैसा है और इसका रेट कैसा है। और इसका डिमांड तो खैर बढ़ते ही जा रहा है इस मछली का, और ये मछली बहुत ही अच्छा है, आप इसको पाल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस मछली से। मैं ज़्यादा उन लोगों को बोलूँगा जिनके पास छोटा मोटा जॉब है और वो एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहते हैं। इनके पास 15 से 20 हज़ार रुपये अगर मंथली इनकम है तो आप इसको एक्स्ट्रा मतलब कि इनकम के रूप में इस मछली को आप ले सकते हो और इसको पाल सकते हो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब ना इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि इसको पालने में ज़्यादा टाइम देना है कि मछली में बीमारी क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादा देखना भी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा आपको पालने में, आराम से आप इसको पाल भी सकते हो। आप अपने जॉब पे जा सकते हो, टाइम पे आ सकते हो, और इस मछली को आप बस एक बार तालाब पे आ जाना है या 2 बार सुबह शाम में आ जाना है घूमने के लिए तालाब पे, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
बहुत ठंडी के दिन में तो दाना ये भी नहीं खाती है, ठंडी के दिन में नहीं, गर्मी के दिन में खाती है, तो गर्मी के दिन में वो भी बहुत कम खाती है, बहुत ही कम खाती है ये दाना। अब मैंने आपको बताया कि 3-4 बोरी आपका एक महीने तक चले जाएगा। तो ये मछली बहुत ही मस्त है, नए किसानों के लिए भी आप इसको पाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस मछली के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा इस मछली में फ़ायदा है या नहीं है। अगर इस मछली के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हो, फुल्ली डिटेल्स में, तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और अगर जो मछली पाल रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस मछली को पालने में, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता दूंगा मैं, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय बाय।